चुनाव 2017 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में आज जिला प्रशासन द्वारा डीएम एकादश वर्सेज पत्रकार एकादश मैच का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम एकादश ने पत्रकार एकादश पर विजय प्राप्त की। हमारे साथ में इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले जिलाधिकारी महोदय साथ में हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जागरूकता अभियान के क्रम में जो चल रहा है इस समय, उनकी श्रृंखला वो उसमें कहां तक सफल हुए, और कल जो चुनाव पंजाब और गोवा में हुए उसमें जो मतदान प्रतिशत रहा उसको लेकर वो यहां कितना आशान्वित हैं कि यहां पर उसके क्या परिणाम दिखेंगे या आपके प्रयास क्या रंग लाएंगे। देखिए, मतदाता जागरूकता के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, उसकी कड़ी में आज हमने सारे पत्रकार बंधुओं को यहाँ मिला कर एक मैच का आयोजन किया है, और उनको भी इस बात का भरोसा दिलाया है कि आप भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं और आपका सहयोग बड़ा आवश्यक है। इसी के तहत जो आज ये मैच खेला गया है और उनका सहयोग लिया गया है, आशा करते हैं कि ये उनमें एक संदेश जाएगा कि मतदान करने के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे काम किए हैं, जो ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम है, जो नए वोटर्स हैं उनको हम प्रेरित कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा मतदान प्रतिशत इस बार पिछली बार की तुलना में काफ़ी बढ़ेगा। डीएम साहब, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पिछली बार भी अभियान चला था, तब भी प्रयास हुए थे, लेकिन मतदान प्रतिशत रहा लगभग 65%। इस बार, पिछली बार डीएम साहब अकेले थे, इस बार आपके साथ आकांक्षा भी जुड़ी हुई है। देखिए, हमारी आकांक्षा है कि मतदान प्रतिशत जरूर बढ़े और इसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। आकांक्षा समिति की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास किए गए, मशाल जुलूस निकाले गए हैं, कई सभाएं करी गई हैं, ऐसी जगहों पर भी जाने की उनकी योजना है जहां पर मतदान प्रतिशत कम रहा है, और वहां पर जा करके खास करके महिलाओं को प्रेरित किया जाए और मतदान के लिए आगे करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। कप्तान साहब से कहूँगा इस बारे में। हाँ, देखिए, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं चारों जगह पे कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, 65 की बजाय और ज़्यादा बढ़े, जैसे कि अन्य राज्यों में हुआ है। और हम लोग डीएम साहब तमाम जगह जाके, सारे थानों पे जाके बहुत सारी मीटिंग्स हम लोगों ने की हैं, जहाँ जहाँ पब्लिक से मिलते हैं, जिन जिन स्थानों पे गए, सभी जगह उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अधिक अधिक संख्या में लोग आएँ, खासकर महिलाएँ जो अक्सर पिछड़ जाती हैं, ये उनसे अनुरोध किया जाता है, जो अपने महिलाएँ हैं उनको भी लेके आएँ और सभी लोग आके वोट दें, जिससे हम अच्छा प्रतिशत बढ़ा सकें और अच्छे लोगों को चुन सकें।